ऑपरेशन कटोरा। हम दिखाने जा रहे हैं मजबूर दुनिया का काला सच, 12 शहरों से सामने आई हकीकत जो आपको कर देगी हैरान। आईनेक्स लाइव पर बेनकाब होंगे चेहरे जिन्होंने भीख को बना दिया है कारोबार। रांची में हर रोज दोहराई जाती है स्लम डॉग मिलियनेयर की कहानी। यहां भीख मांगने वाले गैंग बन गए हैं बचपन के सौदागर। झारखंड के ग्रामीण इलाकों से बच्चों को लाकर उनसे मंगवाई जा रही है भीख। सुबह पैसे कितने मांगे थे? नहीं मिला। कितने? 20 रुपए मिला। तूने तो 20 रुपए दिए, और तो बड़ी वाली बहन ने उसने कितने दिए? 50। उन्होंने 50, और तीसरी वाली ने? रूपा। हाँ, रूपा ने। और तेरा भाई भी तो है, वो कहाँ है? राजेंद्र। वो कहाँ से मांगता पैसे? वो भी नहीं मांगता। नहीं मांगता? वो है। वो क्या करता है? काम करता है। जेब काटता है ना? किसकी काटी आज? आज काटी उसने? नहीं काटी। क्या निकला उसमें? कितना पैसा कमाते हैं आप लोग? 500। यहाँ भिखारी करते हैं स्कूटी की सवारी, उन्हें लाने ले जाने का टाइम है फिक्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर कपल्स होते हैं इन भिखारियों के निशाने पर। पड़ोसी जिलों से आते हैं भीख मांगने, कई तो रोजाना करते हैं अप डाउन। भीख मांगने वालों में हैं ज्यादातर बच्चे जिन्हें कमाई में देना पड़ता है हिस्सा। आप यकीन मानिए या नहीं, पटना में चलता है यूपी के भिखारियों का राज, जिन्हें देना होता है एक एक पैसे का हिसाब। इतना ही नहीं, किराए पर दिए जाते हैं बच्चे भी। केक इस कारोबार में बटे हुए हैं इलाके। कितना भीख से मिल जाता है? मिल जाता 10-5, 2-4 रुपया। 2-4, 10-5 अभी आपके तो अभी किए सब जबर। 6-700 रुपया आपको पूछा नहीं है ना? 500 भी आदमी से मांगे ना, तो 250 जरूर है। इतना ही नहीं, यहाँ सरकार बांटती है लाइसेंस जिस पर चस्पा है पेशा भिक्षावृत्ति। 11 साल से हफ्ता हफ्ता भी देना पड़ता है। इतना है बाल बच्चों के लिए, अपना जीविका चला रहे हैं। कहाँ मांगते हैं भी? शहरों में। अच्छा, कहीं प्रॉब्लम होती है ना एरिया वाइज? हमने कई भी खाने से बात की, पता चला कि उनका एरिया एरिया दूसरे के एरिया में मांगते हैं। हमारा जहाँ चले सब मांग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं करता। हम लोगों को परंपरा सब दिल में होता है। परंपरा है हम लोगों को परंपरा। पहले आपके दादा भी भीख मांगते थे? हमारे दादाजी, परदादा, पिताजी, इसके बाद हम देखना। बेटा क्या करते? बेटा को मतलब कि पढ़ा लिखा दिए। बनारस में भिखारी ठेके पर लेते हैं घाट, यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं नीलाम, दस्वाश में घाट तक उठता है ठेके पर। दबंग भिखारी वसूलते हैं रंगदारी। जरा मिलिए इस भिखारी से, ये तो फिल्मों तक में काम कर चुके हैं, लेकिन अफसोस इस भिखारी की जेब भिखारियों ने ही काट ली। मुझे काशी पिक्चर लगा था, उसमें मैं काम किया हूँ। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल,
जो लोग आते हैं यहाँ पे शूटिंग करने उन लोगों के। हाँ अच्छा, तीन बताइए लुंगी का तीन दिन खेता बांधे हुए हैं और फिर भी विलेज से काट के निकाल ले रहा है, परसों 240 रुपये। अच्छा, मैं उससे एकदम तंगी सा गया। आपका पैसा निकाल लेता है कि यात्रियों का? यात्रियों का, भिकमंगों का, साधुओं का।